वेलकम टू एक्सलेंस फैमिली। आई एम कृष्णा राठौर एंड आई विल टीच यू साइंस बायोलॉजी इन हिंदी। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमंस के कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्लांट्स में किस प्रकार से ग्रोथ होती है ना, और उस ग्रोथ को किस प्रकार से कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। जैसा कि हमको पता है हमारी बॉडी में भी कोई भी क्रिया होती है, कोई भी प्रोसेस होती है, तो वो किसी न किसी एक जैव रासायनिक माध्यम के तहत होती हैं। यानी कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्रत्येक क्रिया को, ईच एक्टिविटी को क्या करते हैं, वो कंडक्ट करते हैं और उसकी रेट को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी प्लांट्स में भी जो उनकी ग्रोथ होती है, अब यहाँ पर वो ग्रोथ भी जो है विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है या फिर उसको इंड्यूस किया जा सकता है। ये किस प्रकार होता है, कौन कौन से हार्मोन्स इसमें शामिल होते हैं, ये हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर वृद्धि के कारण होने वाली गति। प्लांट्स में वृद्धि के कारण जो गति होती है वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जैसे कि मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाड़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। हम जानते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे जिनको अपन बेल लताएं बोलते हैं, जो एक दूसरे पर आरोहण करके क्या करते हैं, चढ़ते हैं। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होते हैं। स्पर्श के लिए संवेदनशील होते हैं मतलब कि कोई इनकी सरफेस से टच हो रहा है तो इनको क्या हो जाती है, संवेदना मिल जाती है, वो सेंसेस इनको पता चल जाते हैं। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि करता है जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है। ठीक है, इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से क्या कर लेता है, जकड़ लेता है, उसको बांध लेता है। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करने करके उद्दीपन के लिए अनुक्रिया करता है। उद्दीपन के लिए अनुक्रिया मतलब कि उसको इस प्रकार के स्टिमुलेशंस मिलते हैं, इस प्रकार की संवेदनाएं प्रेरणाएं मिलती हैं, उन्हीं प्रेरणाओं के फलस्वरूप वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। अनुक्रिया का मतलब क्या है यहाँ पर, रिस्पॉन्स। क्योंकि यह वृद्धि द्विदिशिक होती है। द्विदिशिक वृद्धि जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जब भी कोई सीड जो है वो जर्मिनेट होता है, बीज का अंकुरण जब भी होता है, तो एक तरफ जो है गुरुत्व की तरफ नीचे की तरफ वृद्धि करेगा, दूसरा ऊपर की तरफ वृद्धि करता है ना। तना वाला भाग उसका ऊपर की तरफ और जड़ वाला भाग नीचे की तरफ उसका जाता है। इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा है किस प्रकार से यहाँ पर ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती आपको दिखाई दे रहा है। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती मतलब कि क्या है, जो गुरुत्व के ऑपोजिट क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है और स्टेम का फॉर्मेशन कर रहा है, तने का निर्माण कर रहा है। इसके ऑपोजिट आप यहाँ पर देख सकते हो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती मतलब कि जो जड़ वाला भाग है वो किस तरफ भूमिगत हो रहा है और जड़ का यानी कि रूट का फॉर्मेशन कर रहा है ना। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि जिस तरफ इनकी जो है क्वालिटी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी उसी तरफ वो प्लांट क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। ये द्विदिशिक या फिर अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन की ओर या फिर इससे विपरीत दिशा में भी हो सकती हैं। जिस तरफ की उसको स्टिमुलेशन मिलेंगे उस दिशा में भी हो सकता है, जिस तरफ नहीं मिलेंगे उसके ऑपोजिट दिशा में भी ये हो सकता है। अतः इन दो भिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन गतियों में प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इससे दूर की तरफ मिलकर क्या करता है, अनुक्रिया करता है। जड़ जो है किस तरफ चली जाती है, उससे दूर चली जाती है तने से, और तना जो है ऊपर की ओर वृद्धि करने लगता है। पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाता है। अन्य उद्दीपनों के लिए यानी कि जैसे कि हम हैं, ह्यूमंस भी जो हैं, हमको भी अगर कोई भी स्टिमुलेशन मिलता है, कोई भी कार्य मिलता है, तो हम क्या करते हैं, उसके प्रति कार्य करने के लिए सजग रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी क्या करते हैं, जो भी स्टिमुलेशन इनको मिलते हैं, उद्दीपन मिलते हैं,
उनके पति ये क्या करते हैं, अनुक्रिया दर्शाते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स ये करते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्ररोह प्रायः ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करते हैं। हम जानते हैं जैसे कि ये क्या है, हमारा एक प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट में क्या होता है, ये इसका कौन सा भाग है, स्टेम वाला यानी कि तना वाला भाग है, और ये कौन सा भाग है, उसका जड़ वाला भाग, यानी कि ये क्या है, उसकी रूट है। तो आप हमेशा ये चीज़ देखते होंगे कि इस प्लांट में ये तने वाला स्टेम वाला भाग है हमेशा ऊपर की तरफ, तथा जड़ वाला भाग ये किस तरफ, नीचे की तरफ जाता है ना। अब ये क्या है, ये क्यों है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ प्ररोह तथा जड़ के क्रमशः ऊपरीगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह क्या है, गुरुत्वानुवर्तन है ना। जिस तरफ खिंचाव ज्यादा होगा उस तरफ धनात्मक हो जाएगा, जिस तरफ नहीं होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। ऊपरीगामी मतलब कि जो ऊपर की तरफ तना निकल रहा है उस वृद्धि को ऊपरीगामी, अधोगामी जो कि भूमि के अंदर हो रहा है वो अधोगामी, ठीक है। यदि जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो तो जलानुवर्तन और रसायनुवर्तन का क्या अर्थ होगा, ठीक है। जलानुवर्तन का मतलब क्या होगा, जल के अनुवर्तन से होगा। रसायनुवर्तन का मतलब कैसे होगा, रसायनुवर्तन से होगा, रसायन के अनुवर्तन से होगा। मतलब कि इस प्रकार के इम्पल्शंस, इस प्रकार के स्टिमुलेशंस उनको किसी रसायन के द्वारा, जल के द्वारा प्रेषित किए जाते हैं और उनके द्वारा वे कार्य करते हैं। क्या हम इस प्रकार के द्विदिशिक वृद्धि गतियों पर के उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं। रसायनुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है। ऐसे विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो इसके द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं, किसके द्वारा, नलिका बीजांड के द्वारा और पराग नलिका के द्वारा, जिसके कारण उनके बीच में क्या होता है, संकर्षण यानी कि अट्रैक्शन होता है, और इस अट्रैक्शन के थ्रू वहाँ पर पराग नलिका का निर्माण होता है। और पराग नलिका का निर्माण किसके लिए होता है, ताकि वो पराग नल पराग कण जो है, वो पराग कण कहाँ जा सके, बीजांड तक प्रवेश कर चुके, ठीक है। इसके बारे में जो डिटेल है अपन जो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें यहाँ पर अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए अपन एक और विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचरित होती हैं। हमको पता है किस प्रकार से होती हैं, हमने पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ा हुआ है, विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, विभिन्न प्रकार की नर्व सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, सूचनाओं को इम्पल्स करती, सूचनाओं को आगे की तरफ भेजती हैं। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र होती है। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत ही मंद होती है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियां भी मंद होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं और कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से रसायनुवर्तन यहाँ पर हो सकते हैं। तो देखिए, जंतु शरीर में वृद्धि के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रित दिशाएँ होती हैं, है ना। हमारी जो गतियाँ होती है, वृद्धियाँ होती है, वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं होती है, अदिशात्मक नहीं होती कि कहीं से भी, जैसे कि हमारी बॉडी में कहीं से भी उंगलियाँ आ रही हैं, कहीं से भी कुछ भी हो रहा है, ठीक है। एक पूर्ण और अच्छी तरह से स्ट्रक्चर हमारा होता है। हमारी भुजा और उंगलियाँ यादृच्छिक न होकर एक दिशा में ही क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती हैं, है ना, स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती हैं। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया है तो सूचनाओं का स्थानांतरण बहुत तीव्र होना चाहिए। जब तक सूचनाओं का इम्पल्शन, उसका ट्रांजेक्शन तीव्र नहीं होगा, तब तक उस पर रिस्पॉन्स हो ही नहीं पाएगा, है ना। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए, है ना। बिना मीडियम के उसको क्या नहीं मिल सकता है, किसी भी कार्य को पूरी तरह से सफलता नहीं मिल सकती, कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। सपोजिट कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, यहाँ पर एक मीडियम है यानी कि एक माध्यम है, जिस माध्यम के थ्रू मेरी आवाज़ जो है रिकॉर्ड होकर के आप तक आ रही है, वो माध्यम कौन सा है, वायु। अगर मैं बिल्कुल ऐसे कमरे में बैठूँ जहाँ पर वायु का कोई कहीं से कहीं तक नामो निशान ही नहीं हो, है ना, कोई माध्यम ही नहीं हो, तो वहाँ पर मेरी आवाज़ जो है वो क्या नहीं कर पाएगी, आपको संचरित नहीं हो पाएगी, मेरी आवाज़ फैल ही नहीं पाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हवा क्या कर रही हो, वायु क्या कर रही है, मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को इम्पल्स कर रही है और उसको आप तक संचरित करने का काम कर रही है। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम जो है साधन है, लेकिन विद्युत आवेग का उपयोग के लिए सीमाएं होती है। सीमाएं क्या है, जैसे कि एक बार विद्युत जनित उत्पन्न होने के बाद में दूसरा विद्युत आवेग इम्पल्स होने में या फिर आपके पास आने में कुछ समय लगेगा, ठीक है। कोशिका को वर्क जब वर्कआउट जब होता है तो हमको भी कुछ थोड़ा रेस्ट की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ जो है लागू होती है।
सर्वप्रथम वे कोशिकाएं उन्हीं कोशिकाओं तक सूचनाएं पहुंचाएगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हुई हैं। अगर वो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हुई नहीं है तो वो उनको क्या नहीं करेगी, सूचनाएं नहीं पहुंचाएगी, जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंचाएगी। जो केवल नर्व सेल से जुड़ी हुई है उन्हीं तक वो क्या करेगी, सूचनाओं को ट्रांजेक्शन करेगी, बाकी वो नहीं करेगी। दूसरे, एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित हो जाता है तथा संचरित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने के लिए उसे संचरित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू रूप से करने में थोड़ा समय लेगी। तो आप वापस में उसी काम को करने में थोड़ा सा क्या करते हो, समय लेते हो, थोड़ा रेस्ट आप करते हो। तो इसी प्रकार से हमारी नर्व सेल्स भी जो है ये तुरंत क्या नहीं कर सकती है, उसको इमीडिएट आपके जो इन्फॉर्मेशन रहती है उनको फाइनली जो है क्या नहीं कर सकती है, इंपल्स नहीं कर सकती है, इसलिए इनको भी जो है थोड़े थोड़े समय की आवश्यकता पड़ती है। अगर अपन दूसरे शब्दों में बात करें तो दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित कर सकती है और ना ही संचरित कर सकती है, मतलब कि न तो कंटिन्यू क्या कर सकती है, उसको प्रेषित कर सकेगी, भेज सकेगी नहीं, और उसको क्या कर सकेगी, रिस्पॉन्स उसके प्रति दे पाएगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के संचार और अन्य साधन का प्रयोग करते हैं। पहले हमने रासायनिक संचरण के संदर्भ जो है हमने पढ़े हैं, किस प्रकार से हमारे अगर हमारी बॉडी की भी अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स एंजाइम्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं के द्वारा ये सारी क्रियाएं जो हैं पूर्ण रूप से अच्छी तरह से संपन्न हो पाती हैं। तो यहाँ पर अगर अपन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी क्या होते हैं, इस प्रकार के कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि इनकी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दें, रासायनिक यौगिक मतलब कि वही पदार्थ जो कि क्या करेगा, उसकी रेट को बढ़ाने का काम करेगा, उसकी वर्क एफिशिएंसी को और क्या करेगा, वो बढ़ाएगा, और वो इसको सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन है वो कौन करेगा, यहाँ पर वही सेल करेगी जो कि क्या कर रही है, उसको इम्पल्स कर रही हैं। तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विस्तृत हो जाएगा। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने के साधन हो, संसूचित करना मतलब किसको डिटेक्ट करना, उस तक पहुंचना कि किस प्रकार से वो फंक्शन कर रहा है, तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वह सूचनाओं को अभिज्ञान करके, सूचनाओं का अभिज्ञान करना मतलब कि सूचनाओं को रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचानना, है ना, पहचान करने योग्य होंगे तथा इन्हें संचरित भी करेंगे। इस प्रकार के केमिकल सब्सटेंस जो है क्या कर सकते हैं, उन सूचनाओं को प्रेषित भी करेंगे आगे की तरफ, संचरित भी करेंगे, और उन प्रेषित सूचनाओं के प्रति अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स भी क्रिएट करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। इसे अपवर्ती तथा स्थायी बनाया जा सकता है। जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पर बात की थी कि वो जो कोशिका या वो जो सेल है वो तभी उस सूचना को प्रेषित करेगी जब उसका संबंध किससे हो, तंत्रिका कोशिका से हो, लेकिन बिना को तंत्रिका के संबंधन के भी इन रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, सूचनाओं को प्रेषित कर सकते हैं। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन्स हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन वृद्धि विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करके समन्वय में सहायता करते हैं, इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है। इनके संश्लेषण का स्थान स्थान जो है इनकी क्रिया क्षेत्र से दूर होता है, मतलब कि जहाँ पर इनका सिंथेसिस होता है, जहाँ पर ये बनते हैं वो रीजन अलग से रहता है, और जहाँ पर ये क्रिया करते हैं इनका वर्क प्लेस है, इनका वर्क प्लेस अलग रहता है, ठीक है। और साधारण विस्तरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुँच जाते हैं। डिफ्यूजन, आप पढ़ चुके डिफ्यूजन क्या होता है, जब दो जो सब्सटेंस है, दो पदार्थ जो है आपस में मिल जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, अपन विसरण कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्रिया स्थल और संश्लेषित स्थल दोनों दूर दूर हैं, लेकिन संश्लेषण जब हो गया तो संश्लेषण के बाद में वो हार्मोन या फिर वो एंजाइम जो है डिफ्यूजन या फिर विसरण की क्रिया के द्वारा एक दूसरी कोशिका में पहुंच जाते हैं, फिर उस स्थल तक पहुंच जाते हैं जहां पर इनको आवश्यकता होती है।
अब एक और उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर। जब पादप वृद्धि करता है तो पादप प्रकाश को संसूचित करता है, ठीक है, मतलब प्रकाश को क्या करता है, डिटेक्ट कर रहा है। एक हार्मोन जिसे हम ऑक्सिन कहते हैं, यहाँ पर इस हार्मोन का आप नाम ध्यान रखेंगे, इसका कार्य पूछा जाता है बोर्ड्स में। एक पादप हार्मोन जो कि ऑक्सिन है, यह कार्य क्या करता है, यह प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, तना जो है उसके अग्रभाग में उसके टिप पर क्या होता है, संश्लेषित होता है। संश्लेषित होना मतलब कि बनना, तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। यहाँ पर आपसे ऑक्सिन का कार्य पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर कोशिकाओं की वृद्धि और लंबाई में यह सहायता करता है, ठीक है। जब पादप पर एक और प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाएगा और प्ररोह की प्रकाश से दूरी वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए क्या करता है, उद्दीपित करता है। हमारे हमारी जो बॉडी होती है इसमें भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वृद्धि हार्मोन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारी शरीर की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्लांट में भी ऑक्सिन रहता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ हमको दिखाई देता है। दूसरा हार्मोन यहाँ पर अपन देखते हैं, पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण है जिब्रालिन। यहाँ पर इसका जो है ये भी ध्यान रखिएगा, जिब्रालिन जो है इसका कार्य क्या है, तो जिब्रालिन जो है ये भी क्या करता है, ऑक्सिन की तरह ही तने की वृद्धि क्या करता है, ये सहायक होता है। इसमें ऑक्सिन भी क्या करता है, तने की वृद्धि करता है, और जिब्रालिन भी तने की वृद्धि में ही सहायक होता है। एक और आता है आपका साइटोकाइनिन, ये क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। सेल जब डिवाइडेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, विभेदीकरण होगा कोशिका का, उस समय ये साइटोकाइनिन क्या करता है, सहायता करता है। और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है, ठीक है। यह उन पादप हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं। आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पादप वृद्धि हार्मोन कौन कौन से हैं, तो ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, ये सब क्या हैं, पादप हार्मोन हैं जो कि क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों का आवश्यक है, एब्सिसिक अम्ल। अब यहाँ पर इसका कार्य ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, एब्सिसिक अम्ल जो है ये क्या करता है, एक वृद्धि संबंधन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है, और पत्तियों का मुरझाना इसी के प्रभाव में जो है शामिल होता है। इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से पादपों में जो है वृद्धि के कारण उसमें गति जो है निहित होती है। मतलब अपन बोलते हैं कि प्लांट्स जो है लिविंग थिंग है, लेकिन वो तो मोशन उनमें होता ही नहीं है, तो यहाँ पर हम उनकी ग्रोथ को उनके मोशन से थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इंटरलिंक्ड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।